नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे चंद्रगुप्त नाटक की तात्विक समीक्षा। इस नाटक पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसमें नाटक के बारे में परिचय दिया गया है या नाटक के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए चंद्रगुप्त नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा देखते हैं। देखिए, नाटक के तत्वों के आधार पर अगर समीक्षा की बात करें तो सबसे पहले हमें इसका लेना होता है कथा वस्तु, यानी हमें ये पॉइंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला जो तत्व है वो क्या है कथा वस्तु का, पात्र योजना का, देशकाल और वातावरण, संवाद योजना, अभिनेता, संकलन त्रय, उद्देश्य और भाषा। ये नाटक के मुख्य तत्व हैं और इन्हीं के आधार पर आज हम इसकी समीक्षा करेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 1931 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, 1931 ईस्वी में, और ये एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी इतिहास की घटना को आधार बनाकर इस नाटक की रचना की गई है। तो आइए सबसे पहले हम कथावस्तु को देखते हैं। कथावस्तु की अगर बात करें तो इस कथावस्तु को चार भागों में बांटा गया है, यानी इसके चार अंक हैं। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इन चारों अंकों में कुल 44 दृश्य है, चारों अंकों में 44 दृश्य है। जो पहला अंक है वो प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक और चतुर्थ अंक, चार भागों में बांटा है। पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे में 10 दृश्य है, तीसरे में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य है, यानी कुल कितने हैं, 44 दृश्यों को यहाँ शामिल किया गया है चारों अंकों में। जो प्रथम अंक है कथानक का, प्रथम अंक में जो घटनाक्रम है वो किसका है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और अपनी विजय का परचम लहराता है, यानी सिकंदर का आना, आक्रमण करना और फिर वापस चले जाना, यानी सिकंदर के द्वारा भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया गया, कैसे उसने विजय प्राप्त की और कैसे वो भारत से वापस जाता है, ये सारा घटनाक्रम इसमें लिया गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऐतिहासिक घटना है और ये इतिहास में घटित हो चुकी है। इसके बारे में पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो 326 ईस्वी पूर्व के समय के आसपास का काल इस नाटक में लिया गया है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो मगध का शासक था वो नंद था, जो कि एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। उसने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने अपना बदला नंद से लेने के लिए चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया। यानी ये एक लंबे समय काल को इस नाटक में समेटा गया है या संकलित किया गया है। नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने एक लंबे समय को इसमें दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद जो दूसरा अंक है, दूसरे अंक में क्या है, मगध सम्राट नंद का विनाश होता है और नंद का जब विनाश होता है तो उसकी जगह राजा कौन बनता है, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त किसके कहने से या किसके बनाने से राजा बनता है, वो है चाणक्य। यानी इस नाटक में जो मुख्य कार्य करता है वो चाणक्य है। चाणक्य ही, नंद जब चाणक्य का अपमान करते हैं, उसे अपने दरबार से निकाल देते हैं, तो चाणक्य ये प्रतिज्ञा करता है, वो अपने सिर की जो वेणु चोटी है उसकी, उसको खुली रखता है और वो कहता है कि तुमने एक पंडित का अपमान किया है और मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा और मैं तब तक अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं अपमान का बदला ना ले लूं। और इसी घटनाक्रम में वो चंद्रगुप्त से मुलाकात होती है। चाणक्य देखता है कि चंद्रगुप्त एक बुद्धिमान बालक है और वो उसे राजा बनाने का निर्णय करता है और उसे शिक्षा दीक्षा देकर इस योग्य बनाता है कि वो किसी राजा का कार्यभार संभाल सके। और ये कार्यभार कौन से राज्य का था, मगध का, यानी मगध का राजा कौन बनता है, चंद्रगुप्त बनता है नंद को गद्दी से हटाकर। उसके बाद जो तीसरा अंक है उसमें चंद्रगुप्त की दक्षिणी भारत में जो विजय होती है, यानी दक्षिणी भारत में विजय दिखाई गई है और इसके साथ साथ जो अन्य षड्यंत्र थे, चाहे उसके दरबार में थे या दक्षिणी भारत में या भारत के अन्य इलाकों में जो षड्यंत्रकारी अलग अलग षड्यंत्र रच रहे थे चंद्रगुप्त को गद्दी से उतारने के लिए या चंद्रगुप्त के विरुद्ध, उसके शासन और सत्ता के विरुद्ध, उनकी समाप्ति भी चंद्रगुप्त के द्वारा की जाती है। इस घटनाक्रम को तीसरे अंक में दर्शाया गया है। चौथे अंक की अगर बात करें तो चौथे अंक में सेल्यूकस की पराजय दिखाई गई है। सेल्यूकस की पराजय
और इसके साथ साथ जो सेल्यूकस की बेटी है कार्नेलिया, उसका चंद्रगुप्त के साथ विवाह भी दिखाया गया है। इसी घटनाक्रम को चौथे अंक में शामिल किया गया है। तो कथा वस्तु को चार भागों में बांटा है, चार अंकों में विभाजित है ये, और सभी अंक में अलग अलग दृश्य हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और इसी प्रकार ये घटनाक्रम आपने अंतिम परिणति तक पहुँचता है, या अंतिम सीमा तक पहुँच कर ये नाटक पूर्ण होता है। तो ये आप कथा वस्तु में आप इसको बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि हमें सभी तत्वों के आधार पर देखनी है। अगर आपके किसी भी पेपर में किसी भी जगह अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप उसमें लिख सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर आपको कथा वस्तु के बारे में बताना पड़े तो आप इसी तरह से बताओगे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आप ये मान कर चलो कि किसी भी एक तत्व को आधार बनाकर एक प्रश्न बनाया जा सकता है। तो वहां पर सबसे पहले आप एक परिचय दोगे, परिचय में आपको क्या बताना है, नाटक किसका किसकी रचना है, कब रची गई है, नाटक का मुख्य तत्व क्या है, यहाँ पर ऐतिहासिक है या किस पृष्ठभूमि कौन सी है नाटक की। ये सब बताने के पश्चात जो तत्व आपसे पूछा गया है, यानी कथानक के बारे में बताना है या पात्र योजना के बारे में पूछा गया है या देशकाल और वातावरण के बारे में अलग से पूछा जा सकता है या उद्देश्य के बारे में अलग से पूछा जा सकता है, तो इस तरह जो भी प्रश्न बनता है फिर आप उस पॉइंट पे आ जाओ और उस पॉइंट को विस्तार दो और अंत में आप उसे निष्कर्ष के साथ समाप्त करें। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो दूसरा तत्व है पात्र योजना, कथानक को पूर्णतः सफल बनाने के लिए पात्रों का होना तो जरूरी है, क्योंकि पात्र है तभी तो कथा वस्तु या घटनाक्रम चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर 19 तो पुरुष पात्र हैं और जो 9 हैं वो स्त्रियाँ पात्र हैं, यानी कुल ये पात्र यहाँ पर दिए गए हैं 19 पुरुष पात्र हैं और 9 स्त्रियाँ पात्र हैं, तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो 28 पात्र यहाँ पर बनते हैं। ये बताने के बाद आप ये बताएंगे कि इनमें से प्रमुख पात्र जिसमें चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, नंद है, शक्तार है, पर्वतेश्वर जो कि पंजाब का शासक है, सिकंदर है जो कि यूनानी विजेता है, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, और इसके साथ साथ प्रमुख स्त्री पात्रों में अगर हम देखें अलका है, सुवासिनी है, कार्नेलिया है, मालविका है, यानी यहाँ पर केवल आप प्रमुख पात्रों के बारे में ही बताएंगे। वैसे ही पात्र का क्या नाम है और इस नाटक में उसकी क्या भूमिका है ये मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। जैसे चाणक्य के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है चाणक्य। अगर वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए चाणक्य का अन्य क्या नाम था तो विष्णुगुप्त नाम था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये आप सब जानते होंगे। इसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त है ये मौर्य सम्राट था। चंद्रगुप्त से पहले जो मौर्य वंश था उसका कोई ज़्यादा नाम नहीं था या कोई ज़्यादा इतना रुतबा नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त ने इस वंश के इतिहास में एक अलग पहचान बनाई। नंद के बारे में पूछा जा सकता है या नंद के बारे में आप यहाँ बताओगे, क्योंकि नंद मुख्य पात्र है, मगध का सम्राट है और मगध की गद्दी से इसे कौन उतारता है, चंद्रगुप्त इसे मगध की गद्दी से या मगध के सिंहासन से उतार कर स्वयं राजा बन जाता है। राक्षस है जो मुख्य भूमिका में है, ये मगध का अमात्य है। शक्तार है जो मगध का मंत्री है, यानी ये सभी पात्र मुख्य भूमिका में है और इन्हीं के माध्यम से जो नाटक है वो गति प्राप्त होती है उसे और वो घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त, इसकी पात्र योजना भी इस नाटक को सफल बनाने में पूर्णतः सक्षम है। आपको ध्यान में क्या रखना है, कई बार क्या होता है कि जो नाटक होते हैं उसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन वो दृश्य के साथ बदलते रहते हैं, परंतु जयशंकर प्रसाद के साथ तो उनके तो विचार ही अलग है। वो ये कहते हैं कि मेरे नाटक मंच के लिए नहीं बल्कि मंच मेरे नाटकों के लिए है, मेरे नाटक मेरे भावों की अभिव्यक्ति की प्रधानता लिए है, ना कि मंच को ध्यान में रखकर मैंने नाटकों की रचना नहीं की। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनके नाटक किसी मंच पर प्रदर्शन के लिए नहीं है बल्कि उनके भावों को अभिव्यक्त करने के लिए है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है देश काल और वातावरण। देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है मुख्य रूप से ये जो चित्रण किया है वंश का या उस समय जो देश काल था, हमारे इतिहास में मगध का साम्राज्य है,
और वहां पर जैसे बाहर से आक्रमण हो रहे थे, तब कैसी कैसा वातावरण है, कैसी परिस्थितियां हैं, वो सभी जब नाटक का घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो देशकाल और वातावरण अपने आप ही निर्मित होता चला जाता है पात्रों के माध्यम से और घटनाक्रम के द्वारा। तो देशकाल और वातावरण बिल्कुल नाटक के घटना के अनुकूल है, वैसी ही परिस्थितियां यहाँ पर चित्रित की गई है जैसी कभी इतिहास में रही होंगी, यानी देशकाल और वातावरण पूर्णतः नाटक की दृष्टि से उपयुक्त है। उसके बाद आता है संवाद योजना। देखिए, संवाद किसी भी नाटक की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही एक तो चरित्र का वर्णन होता है या चरित्र जो पात्र है उसके व्यक्तिगत चरित्र का पता चलता है, और संवादों के माध्यम से ही घटनाक्रम को सही गति प्राप्त होती है। तो ना संवादों में क्या ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद रोचक होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, पाठक को आकर्षित करने वाले होने चाहिए। पाठक या दर्शक कोई भी हो सकता है, क्योंकि नाटक दोनों जगह पे चलता है, मंच पे भी चल सकता है और पुस्तक के माध्यम से पढ़ा भी जा सकता है। तो संवादों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भी ये नाटक एक सफल नाटक कहा जा सकता है। उसके बाद आता है अभिनेता। अभिनेता में आपको पता होना चाहिए कि जो अभिनय है ये केवल संवादों के माध्यम से या पात्रों के माध्यम से, पात्रों को मंच पर खड़े होने से ही अभिनय पूर्ण नहीं होता, बल्कि उनके जो हाव भाव है, उनकी जो वेशभूषा है, उनके जो बोलने का ढंग है, उनके मुख पर आने वाले जो संवेग हैं, उनके माध्यम से ही अभिनय पूर्णता को प्राप्त करता है। यानी कायिक, वाचिक, आहार्य, ये सब चीजें जरूरी होती है, ये सब तत्व जरूरी होते हैं अभिनेता के लिए। तो इस दृष्टि से भी देखें तो इस नाटक के जो सभी पात्र हैं वो अभिनेता की दृष्टि से भी ये नाटक सफल माना जा सकता है। संकलन त्रय में क्या होता है, समय और स्थान के अनुसार जो कार्य किया जाता है, यानी जो घटनाक्रम दिखाया गया है वो समय के अनुसार है और स्थान के अनुसार है। यानी समय और स्थान के अनुसार जो कार्य होता है, कार्य व्यापार यहाँ पर क्या है, जो घटनाक्रम घटित होती है उसको समय और स्थान के अनुकूल होना चाहिए, तभी जो संकलनत्रय जो तत्व है ये पूर्णता को प्राप्त होता है, यानी नाटक सफल होता है उसमें संकलनत्रय की जो तत्व है ये पूर्ण है। तो इस दृष्टि से भी अगर देखें तो जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त समय और स्थान के बिल्कुल अनुकूल इसमें घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि ये उस समय का शासनकाल यहाँ दिखाया गया है, मगध में जैसा वातावरण दिखाया गया है, जिस घटना का चित्रण किया गया है वो बिल्कुल समय के अनुकूल है। उस समय, उस जगह पर, उन स्थानों पर जिसकी यहाँ चर्चा की गई है वहाँ इसी प्रकार का कार्य व्यापार हुआ था या कार्य या घटनाएं घटित हुई हैं। तो संकलनत्रय की दृष्टि से अगर देखें तो ये नाटक की जो कथा है बिल्कुल उसके अनुकूल समय और स्थान लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं उद्देश्य की। देखिए, उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो नाटक है इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय मुख्य विषय के रूप में है। यानी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर सिकंदर आ रहे हैं, सेल्यूकस है यहाँ पर, तो विदेश जो सिकंदर है उसका कार्य, उसका काम क्या था, भारत पर आना, लूटपाट करना, अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास करना, तो ये सब क्या है, विदेशी आक्रमणकारी तो है। और जिस समय इस नाटक की रचना की गई, 1931 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, तो जयशंकर प्रसाद किन से आहत थे, हमारी उन परिस्थितियों से आहत थे जब हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जो चंद्रगुप्त है ये एक साधारण बालक से एक व्यक्ति विशेष बन जाता है, एक राज्य का राजा बन जाता है। तो इससे सामान्य जनता को प्रेरणा देने के लिए इस नाटक की रचना की गई है कि विदेशियों के हाथों में, विदेशी इस समय में कौन है, 1931 में हम किसके अधीन है, अंग्रेजों के, तो विदेशी यानी अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए युवा वर्ग, युवा वर्ग कौन है, जो चंद्रगुप्त का वर्ग है, यानी चंद्रगुप्त भी तो उस समय मगध से जब संघर्ष हुआ था तो युवा था। तो जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने अत्याचार नंद के विरुद्ध विद्रोह किया, उसके उसके शासन को समाप्त किया, उसी प्रकार भारतीयों को भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव रखकर इनको यहाँ से खदेड़ना चाहिए या निकाल देना चाहिए, जो हमारी गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ देना चाहिए। तो ये आपको यहाँ मुख्य उद्देश्य ध्यान में रखना है कि विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय हो, ऐसा इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ इस नाटक के माध्यम से वो प्रकट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस नाटक के घटनाक्रम के माध्यम से जो चाणक्य का प्रतिशोध है
वो भी दिखाया गया है, यानी चाणक्य का प्रतिशोध किसके विरुद्ध है, नंद के विरुद्ध। एक साधारण शिक्षक भी कितने असाधारण कार्य कर सकता है वो इस नाटक में चाणक्य के घटनाक्रम से हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ चाणक्य का जो चंद्रगुप्त पर विश्वास है या अपनी प्रतिज्ञा पर जो विश्वास है वो भी इस नाटक में परिलक्षित होता है। इसके लिए प्रेम के लिए त्याग का भाव भी इस नाटक में, जो इस नाटक में अन्य घटनाएं साथ साथ चलती है, जो उपकथाएं चलती है, जो सिंहरण और अलका की कथा है, चंद्रगुप्त और मालविका की कथा है, चंद्रगुप्त और कल्याणी की कथा है, इसके साथ साथ पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा है, इन घटनाओं में जो इन घटनाक्रम में क्या दिखाया है, प्रेम के लिए त्याग का भाव भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं भाषा की। देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने हमेशा पात्रों के अनुकूल भाषा का चयन किया है, और क्योंकि हमारे ऐतिहासिक पात्रों को इन्होंने लिया है तो इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, तो लेकिन इनके जो शब्द हैं हिंदी के वो सरल हिंदी के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, यानी सरल भाषा है, सरल शब्द हैं। हम इनके जब संवाद देखते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं, पात्रों के मनोभावों को हम इन शब्दों के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत से प्रभावित थे जो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा का प्रयोग अपने नाटकों में किया है। तो चंद्रगुप्त नाटक में भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग है, लेकिन जो हिंदी है वो सरल हिंदी है जो पाठक और दर्शक की समझ में आने वाली है। तो इसी तरह से सभी तत्वों के अलग अलग प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आप इसे तैयार करेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु को विस्तार से वर्णित करें, पात्र योजना बताएं, देशकाल और वातावरण के बारे में बताएं, या फिर अकेला पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है स्पष्ट करें, या वर्तमान संदर्भ में यानी जब इसको लिखा गया है उस संदर्भ में नाटक का क्या उद्देश्य है नाटककार का वो स्पष्ट करें। यानी जो भी नाटककार हुए हैं हमारे यहाँ पर, साहित्यकार हुए हैं, चाहे उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, बिना उद्देश्य के तो कुछ भी रचना नहीं की जाती, तो उन्होंने भी वर्तमान परिस्थितियों को चाहे हमारे इतिहास से जोड़कर दिखाया है या अन्य किसी घटनाओं से जोड़कर दिखाया है, लेकिन इन रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को जागरूक करना, उन्हें उन परिस्थितियों के प्रति इतना जागरूक किया जाए कि वो उनमें बदलाव कर सकें, उनके प्रति सचेत हो सके, ऐसी प्रकार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रचनाएँ की जाती हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने भी इस नाटक की रचना कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की है, जिससे कि भारत की युवा वर्ग को जगाया जा सके, और भारत की जो युवा पीढ़ी अगर जागृत होगी तो भारत गुलामी की जंजीरों का त्याग करके विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा, और एक स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र देशवासी एक नया प्रगति का जो पथ है वो प्रशस्त करें, ऐसी ही इनकी कामना इस नाटक में नजर आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक तत्वों के आधार पर जो हमने समीक्षा की है ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।